नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। दुनिया का दस्तूर है उगते हुए सूरज को सलाम करना। और एक मैच भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल वर्ल्ड कप 2019 का, भारतीय टीम इस मैच से आउट हो चुकी थी, लेकिन आखिर में टीम इंडिया के खतरनाक बल्लेबाज और ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने टीम इंडिया की मैच में वापसी लगभग करा ही दी थी। टीम इंडिया जीतते जीतते इस मैच को हार तो गई, लेकिन इस मैच से एक क्रिकेटर का उदय हो गया जिसका नाम है रविंद्र जडेजा। जडेजा ने इस मैच में 77 रनों की धमाकेदार पारी खेली। उनके चौके छक्के देखकर न्यूजीलैंड की टीम को पसीना आ गया था। वो हैरान रह गए, परेशान हो गए, इतनी टेंशन हो गई कि उन्होंने समझ लिया था कि मैच हमारे हाथों से चला गया। वो तो भारतीय टीम की कुछ गलतियां रही कि उस वजह से टीम इंडिया हार गई। लेकिन बात वहां की आज क्यों हो रही है, यही सवाल है। वो इसलिए कि रविंद्र जडेजा के उस मैच के बाद वेस्टइंडीज दौरे के लिए जगह पूरी तरह से पक्की हो चुकी है। T20 टीम में शामिल हो गए हैं, टेस्ट टीम में शामिल हो गए हैं और 3 वनडो के लिए भी वो टीम में शामिल हो गए हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वो लगातार टीम इंडिया में आपको प्लेइंग 11 में खेलते दिखेंगे, क्योंकि उनका खेल ही ऐसा शानदार रहा। रविंद्र जडेजा की उस पारी से क्या बदला? उस पारी से अगर कुछ बदला तो एक और बदला। संजय मांजरेकर जैसे कमेंटेटर की बोलती बंद हो गई, जो लगातार उन्हें डायरिया बताते थे कि वो आधे ऑलराउंडर हैं या कहें कि आधे गेंदबाज हैं और आधे बल्लेबाज हैं, इस तरह की बातें संजय मांजरेकर करते हैं। तभी तो जडेजा ने उस दिन अर्धशतक लगाने के बाद जिस तरीके से संजय मांजरेकर को जवाब दिया था वो पूरी दुनिया ने देखा। अब क्या होगा? अब वही होगा जिसका इंतजार शायद जडेजा को था, एक मौके का। वो मौका वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में आ गया था। उनकी 77 रन की पारी ने उनको एक नया मौका दिया है। अब टीम इंडिया से उनका बाहर होना इतना आसान नहीं। अगर वो अच्छा खेलते हैं तो वो लगातार टीम इंडिया में बढ़ते चले जाएंगे और भारतीय टीम में एक जबरदस्त ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। उनके आने से टीम इंडिया में दूसरे ऑलराउंडर को जरूर दिक्कत हो सकती है, जैसे हार्दिक पांड्या। अगर पांड्या अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी अच्छी नहीं करते तो हो सकता है कि वो अंदर बाहर होते रहें, दूसरे खिलाड़ियों को भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन इतना तो तय है कि रविंद्र जडेजा ने अपनी ताल ठोक दी है। इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर दीजिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।